guys, welcome to my first vlog. वीडियो शुरू से आखिरी तक देख। वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देख। और भाई को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें? क्या करें? चैनल को लिख कर दे दे मेरे हाथ पर। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग। आज मैं आया हूँ एक बहुत ही कूल लोकेशन पर और मेरे साथ है मेरे मामा, जो कि मैं उनको उनके घर छोड़ने आया था। और लोकेशन काफ़ी अच्छी है, आपको वीडियो में आगे दिखी गई होगी। थोड़े सिनेमेटिक शॉट्स अगर नहीं दिखे होंगे तो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। और चलिए मिलवाता हूँ मेरे मामा से। तो ये है मेरे मामा राजेश लोवन जी। हेलो, हाय हाय गाइज, तो बोल दो भैया। हाय गाइज, तो अभी आया था मैं इनको छोड़ने इनके गांव। ये शहर से आए थे इंदौर से, और अभी ये रुके हुए थे मेरे घर पे। रात को आए थे, लेट हुए थे तो वहीं पे रुकवा लिया था। और उसके बाद में अभी मैं इनको इनके घर छोड़ने आया हूँ भेसा दे। और वहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा एक कूल वाटरफॉल, जिसका कि सिनेमेटिक शॉट्स आपने देख ही लिया होगा। तो ये लोकेशन जो आप देख रहे हो, ये खुला मैदान, ये है क्रिकेट का ग्राउंड, जो कि मामा यहाँ पर बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। और अब आए हैं तो शायद अगर टाइम मिलेगा तो अभी भी ट्राई कर लेंगे। वैसे मामा अच्छे प्लेयर हैं, अगर एक आध इनका शॉट्स मिल गया तो डाल दूंगा मैं, आपको देखने को मिल जाएगा ब्लॉग में। तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है भाई यहाँ पर, मतलब क्रिकेट वगैरह सारा कुछ अच्छे तरीके से खेला जा सकता है। ग्राउंड अच्छा है और इधर झरना वरना भी अच्छा है, मतलब सारी लोकेशन मस्त वाली है। जरूर कमेंट में लोग, मतलब मैंने पहले भी ये ब्लॉग डाला था और लोगों ने पूछा भाई ये कहाँ का सीन है, कहाँ पर है ये वाटरफॉल। तो ये है भैंसादे भाई, शिवपुर शिवनी मालवा से 20 किलोमीटर दूर मिल जाएगी आपको ये जगह। मैं लोकेशन आपको डाल दूंगा तो देख लेना आप। तो अभी आए हैं मामा खेत में मटर खाने के लिए, और पोपट हो गया हमारे साथ, जो झोला था मटर तोड़ के रखने के लिए वो हम बैठे थे उधर वहीं पर भूल गए। और मामा गए हैं वापस से झोले को लेने, ताकि उसमें मटर की फली कुछ तोड़ के रख सकें। तो अब मामा आते हैं, उसके बाद में फिर मटर खाएंगे।